आपके सामने रखने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के पीछे आखिर कारण क्या, क्योंकि जिस तथाकथित शराब घोटाले को लेकर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी दिखाई गई है, उस शराब घोटाले की FIR 15 महीने पहले दर्ज हुई थी, उसमें करीब 900 जगह छापेमारी की गई, लेकिन कहीं भी किसी भी नेता के यहाँ से किसी भी घर से कोई भी बरामद नहीं हुआ। वास्तव में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो आम आदमी पार्टी के बुनियादी मुद्दों की राजनीति से घबराई हुई थी। वो संजय सिंह जी ने जिस तरह से मोदी अडानी घोटाले का भंडाफोड़ किया उससे घबराई हुई थी। संजय सिंह जी ने जिस तरह से मणिपुर के सवाल को उठाया उससे घबराई हुई थी। इसी कारण से नरेंद्र मोदी ने संजय सिंह जी की बुलंद आवाज को दबाने के लिए उनको गिरफ्तार फर्जी रूप से किया गया। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज तक एक भी फोड़ी किसी भी नेता के घर से बरामद नहीं हुई है। मैं ये आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में है, वो आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो मोदी अडानी घोटाला हुआ, जो कोयला घोटाला हुआ, और अभी ताजा जो आयुष्मान योजना में घोटाला पकड़ा गया, जो भारत माला योजना में घोटाला पकड़ा गया, और जिन अधिकारियों ने उन घोटाले को पकड़ा, CAG के अधिकारियों ने, उन्हीं का अभी 3 दिन पहले ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है, ये कट्टर ईमानदार सरकार से, कट्टर देशभक्त सरकार से ये घबराती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उनके द्वारा किए गए इस अत्याचार से घबराने वाली नहीं है। हमारे नेता जिस जब तक जेल में है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उसके संबंध में प्रदर्शन करेंगे। आगामी 21 तारीख को हम लोग प्रत्येक जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। 27 तारीख को बड़ा प्रदर्शन हम लोग दिल्ली में करेंगे, और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जेल से एक पत्र जारी किया है, उस पत्र को हम 21 तारीख को जारी करेंगे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने का काम उसको करेंगे। और हम लोग आज ये प्रण लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमि से जो केंद्र की मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ने का हम लोग प्रण लेंगे। और इन शब्दों के साथ जिस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और हौसला हमारा देखकर मोदी जी बड़ी मुश्किल में। अगर शराब घोटाले में सांसद संजय सिंह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? इसीलिए तो प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मेरे सामने आज तक बता दिए, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को पिछले 8 महीने से गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, एक सबूत उनके सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि वेयर इज द एविडेंस, सबूत कहां है। हमारा आंदोलन इसी बात को लेकर, जब सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो क्यों बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार किया जाए। क्या कहना है आपका सरकार के खिलाफ में, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बुनियादी मुद्दों की राजनीति से जो मोदी सरकार घबराई हुई है, जो इंडिया गठबंधन बना है उससे मोदी सरकार घबराई हुई है, इसी कारण झूठे और बेबुनियाद मुद्दों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का? देखिए, इस भ्रष्ट, और मैं कहता हूं बिल्कुल बेहिचक होकर कह रहा, भ्रष्ट निकम्मी सरकार के कार्यकलापों पे हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। यदि वो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर सकते, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर सकते, तो उनका अगला कदम क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल। अगली कार्रवाई क्या होगी आपको? हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, इसको जन आंदोलन बनाएंगे, जनता को मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराएंगे, और जनता से ये बताएंगे कि मोदी सरकार केवल और केवल अडानी जी के लिए काम कर रही है, वो बुनियादी मुद्दों की राजनीति से भाग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार।